WCC3 के हॉट इवेंट्स का मैच और इंडियन T20 टूर्नामेंट 2022 की सीरीज और शुरुआत करते हैं आज के इस मैच की। गुजरात की टीम हमने चूज कर ली है और मैच है आज का गुजरात वर्सेस राजस्थान का। कोलकाता के स्टेडियम में इस मैच को हम खेलेंगे। पिच कंडीशन जो है वो ग्रीन है और ग्रीन पिच कंडीशन जब भी रहता है तो रन्स अच्छे खासे बनते हैं। यहाँ पर फिलहाल टॉस हमने कर लिया है और हम हार भी चुके हैं और हमारी ओपोनेंट टीम के कैप्टन ने टॉस जीत करके बैटिंग का फैसला किया है। और अब उन्होंने अगर बैटिंग का फैसला किया है तो ये सोच करके किया होगा कि बैटिंग वाली पिच है तो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाए ताकि हमें चेज़ करने में मुश्किल हो। तो देखते हैं हमें कितने रन्स मिलते हैं चेज़ करने के लिए। और 191 रन्स बना दिए हैं राजस्थान की टीम ने और अब अगर गुजरात की टीम को इस मैच को जीतना है तो 192 रन्स चाहिए होंगे। बॉलिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है और अगर सबसे कमज़ोर बॉलिंग की हम बात करें तो वो हमारी टीम के कैप्टन के द्वारा ही हुई है। खैर, हम चाहेंगे कि वो रन्स कुछ अच्छे बनाएं। यहाँ पर फ़िलहाल हमारे दोनों ओपनर्स को हम लेकर के आ चुके हैं। गुजरात की टीम के दोनों ओपनर्स आ चुके हैं और दोनों ही राइट हैंड बैट्समैन हैं। यहाँ पर पहली बॉल फुल टॉस लेंथ की ये बॉल है और कमाल का ये गैप में चौका है। और फुल टॉस पर चौका लगाना ये काम आसान रहता है पर लोअर फुल टॉस पर चौका लगाना वो काम उतना भी आसान नहीं रहता। यहाँ पर एक चौका एक छक्का, इस बार पीछे की तरफ ये शॉट है और शॉट फाइन लेग के फील्डर के बगल से खेला है और क्या कमाल का खेला है। आगे तीनों आने वाले जो बैट्समैन हैं वो ये हैं और तीनों ही जो बैट्समैन हैं ना वो तीनों ही बहुत कमाल के हैं और सब जितने भी प्लेयर्स हैं जितने भी बैट्समैन हैं बहुत तेज़ खेलते हैं। यहाँ पर एक लॉफ्टेड शॉट और एक और ये चौका और सब प्लेयर्स तेज़ तो खेलते हैं पर एक बॉलर हैं जो कि कमाल का खेलते हैं। यहाँ पर फिलहाल इस बैट्समैन ने कमाल कर दिया क्योंकि पहले ही ओवर में इतने सारे रन्स और हाँ एक और बाउंड्री। इस ओवर की एक भी बॉल डॉट नहीं हुई है और सिंगल डबल भी नहीं हुआ है किसी पे। 6 में से 4 बॉल पे चौके लगे हैं और 2 बॉल पर 2 छक्के लगे हैं और इस बार कवर्स के ऊपर से 1 बाउंस 2 बाउंस और बाउंड्री के बाहर। दर्शक बिल्कुल ये चीज़ समझ चुके हैं कि इस मैच को जीतना जो है वो इतना भी आसान नहीं रहने वाला राजस्थान की टीम के लिए। और यहाँ पर एक और ये लॉफ्टेड शॉट है और 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर होना चाहिए था पर काफ़ी सारे बाउंसेज हुए। इस बार सीधा खेला है यार, क्या कमाल का खेला यार। मतलब वो बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की बॉल थी और थोड़ा सा बाहर निकल कर के आए, वो थोड़ा रूम बनाया और यॉर्कर बॉल को वो फुल टॉस में बदला है। इस बार सीधा ये शॉट है 1 बाउंस 2 बाउंस और इस बार भी बाउंड्री के बाहर, क्या बात है। इस ओवर की ये आखिरी बॉल तो नहीं है पर चौका ये मज़ेदार है और इस चौके के साथ ये ओवर काफ़ी बड़ा हो चुका है। फिलहाल अभी इस ओवर को हमारे कैप्टन बहुत बड़ा बना चुके हैं और बहुत बड़ा क्या बल्कि 16 रन का अभी तक के तो बना चुके हैं। यहाँ पर एक और लॉफ्टेड शॉट पॉइंट के फील्डर के ऊपर से नहीं खेल पाए हैं, टाइमिंग बहुत ही ख़राब थी और बस यही हुआ वहाँ पर, उस ट्रैप में हमारे कैप्टन फंस गए और विकेट चला गया इनका। पर खैर कोई बात नहीं, जिस बॉलर की हमने बात की थी कि हमारी टीम में एक बॉलर हैं जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं और वो ही फ़िलहाल स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। यहाँ पर 2 रन हो चुके हैं, 3रा रन लिया जा सकता है और जी हाँ बिल्कुल पूरा भी किया हमने। और अभी जो स्ट्राइकर एंड पर है ना वो थोड़ा सा धीमा खेल रहे हैं, एक चौका लगाना होगा उनकी तरफ से और टाइमिंग यहाँ पर परफेक्ट है और क्या कमाल का ये शॉट है और प्लेसमेंट तो बिल्कुल लाजवाब थी। यहाँ पर फिलहाल फुल टॉस लेंथ की ये बॉल है, शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर थोड़ी और अच्छी फील्डिंग कर सकता था पर फाइनली वहाँ पर एक चौका मिला। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 3 रन चाहिए जीत के लिए और जो बॉलर हैं वो ग्लव्स को टाइट कर चुके हैं, शायद यहाँ पर चौका लगाने को देखेंगे और बिल्कुल इस बार मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से एक चौका लगाया है और कमाल का ये मैच रहा है। इस एक चौके के साथ गुजरात की टीम जो है वो 4 विकेट से इस मैच को जीत चुकी है।
और ये बॉलर जो है यही है मैन ऑफ द मैच, क्योंकि 35 रन इन्होंने बनाए लास्ट में आकर के, और जब बॉलिंग कर रहे थे तो एक विकेट भी लिया था इन्होंने।